उस पार पंछी रे।
तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते। ॐ शांति, ॐ शांति। आज आप सबका याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंच, वहां जाकर क्या देखती हूँ कि एक वर्ल्ड का ग्लोब है और उसके ग्लोब के चारों ही तरफ काफी सारे लोग बैठे हैं। एक तरफ देखती हूँ तो साइंटिस्ट है, दूसरी तरफ देखती हूँ तो अलग अलग धर्म वाले, और फिर और कई दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, ग्लोब को हर एक अपनी अपनी उंगली से उसको टच कर रहे थे। जैसे जैसे उसको वो टच करते तो ग्लोब क्या है, धीरे धीरे उसके अंदर कोई ना कोई प्रकार की लाइन या दरार पड़ जाती थी। तो वो ऐसे लग रहा था कि जितना उसको बनाने की कोशिश करते जाते हैं उतना कुछ ना कुछ उसके अंदर कमी नज़र आ रही थी। तो वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कुछ सेकंड के बाद दूसरा ग्लोब देखा, उसके पास भी कुछ लोग बैठे हैं और वो उसको बहुत ध्यान से देख भी रहे हैं और वो अपनी उंगली से टच करते हैं तो उस ग्लोब के अंदर लाइट निकलती है और लाइट के रिफ्लेक्शन से ग्लोब जो है बहुत सुंदर और वो ऐसे धीरे धीरे घूमने लगता है। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आए तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रहे थे? मैंने कहा, बाबा आज तो दो प्रकार के ग्लोब देखे हैं। तो बाबा मुस्करा रहे थे। तो बाबा ने कहा, मालूम है इस धरती के, इस विश्व के ग्लोब को मजबूत करने के लिए साइंटिस्ट, धर्म नेताएं और सब लोग मिल करके कई प्रकार के प्लान्स बना रहे हैं और जैसे जैसे वो बनाते जाते हैं तो उनको बीच में कुछ न कुछ ऐसी रुकावट आ जाती है तो पूरे ग्लोब को एक तो संगठित नहीं कर पा रहे हैं, कोई न कोई प्रकार की समस्या उनके सामने आ जाती है जिस कारण से वो चिंतित हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे दूसरा ग्लोब देखा? मैंने कहा,
तो बाबा ने कहा ये दूसरा ग्लोब के कार्य, दूसरा नहीं ग्लोब एक है, लेकिन उस कार्य को संपन्न करने के लिए बाप ने तुम बच्चों को विशेष जिम्मेवारी दी है कि साइलेंस पावर का प्रयोग करें। जितना साइलेंस पावर का प्रयोग करेंगे तो विश्व परिवर्तन और ये ग्लोब जो है सुंदर और नए विश्व में परिवर्तित होगा। तो फिर जैसे बाबा ने कहा ना साइलेंस पावर का प्रयोग करें, तो उस समय काफ़ी सारे बाबा के बच्चे सामने इमर्ज हुए, बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बाबा दृष्टि दे रहे थे, कई बच्चे क्या था, कोई धीरे से ऊपर उठते हैं, कोई फिर साइड को घूम जाते थे, कोई फिर ऐसे जैसे बिल्कुल बैठे हैं, कोई एक्सपीरियंस कम था। तो बहुत कम ऐसे थे जो बिल्कुल बाबा के सामने बैठे थे, जिनके द्वारा इतनी पावर निकल रही थी और वो पावर बहुत विश्व के अंदर चारों तरफ फैल रही थी। तो बाबा ने कहा बाप भी देख रहे हैं, अभी भी बच्चे क्या करते हैं, अपने ही संकल्पों के साथ माया की तरह युद्ध करते रहते हैं। कोई बाहर की युद्ध नहीं है, अपने संकल्पों की युद्ध। फिर बाबा ने कहा दूसरे ऐसे बच्चे हैं वो दूसरों को देख करके उसमें अपने संस्कार इमर्ज करके उस चक्कर में घूमते रहते हैं, दूसरों की चीज़ों को देख, दूसरों की बातों को और अपने संस्कार इमर्ज करके उस एक जैसे भंवर होता है ना, भंवर के अंदर घूमते रहते हैं। तीसरे बाबा ने कहा ऐसे भी बच्चे हैं वो सोचते रहते हैं पता नहीं क्या होगा, उस सोच के कारण माया का आह्वान करते रहते हैं और माया के आह्वान के कारण खुद भी उलझन में और माया से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में बच्चों को थकावट भी महसूस होती है। तो बाबा ने कहा अभी समय बता रहा है, साइलेंस पावर को यूज़ करो। फिर बाबा जैसे बता रहे थे तो एक सेकंड में बाबा खुद भी साइलेंस में और बच्चे भी साइलेंस में। तो साइलेंस के साथ साथ सबके सामने एक बहुत सुंदर सा एक स्टार आता है और उस स्टार पे लिखा हुआ था स्वमान, स्वस्थिति और स्वमान। तो बाबा ने कहा बच्चों को अपने ओरिजिनल स्वमान में रहना है और अपनी स्वस्थिति को मजबूत करके साइलेंस पावर का प्रयोग करेंगे तो स्वयं भी संपन्न बन करके विश्व का परिवर्तन कर सकेंगे। नहीं तो साइंटिस्ट भी ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा मिले जो हमको सहयोग दे। तो ये तुम बच्चों को ही ध्यान देना है, स्वमान में रहना है, स्वस्थिति पर रहना है और उसके द्वारा साइलेंस पावर का प्रयोग करके साइंटिस्ट को और विश्व की आत्माओं को सहयोग भी देना है और विश्व को परिवर्तन भी करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन जो बीच बीच में माया के ऐसे संकल्प आते हैं उससे युद्ध करते करते कई प्रकार के बंधन भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन बंधनों में भी फंसते जाते हैं। तो बच्चों को साइलेंस पावर का समय अनुसार अधिक प्रयोग करना है। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।